फिश की बात करें और पश्चिम बंगाल को भूल जाएं, ऐसा हो नहीं सकता। चलिए मैं आज आपको अपने किचन से फिश करी बनाना सिखाता हूँ। सरसों 2 बड़ा चम्मच, जीरा गोल मिर्च 1 छोटी चम्मच, सूखी हुई लाल मिर्च 7 नंबर, धनिया पाउडर 1 छोटा चम्मच, हल्दी पाउडर 1 बड़ा चम्मच, पील किया हुआ लहसुन, हरा धनिया कटा हुआ, टमाटर कटा हुआ, और मैंने सारे मसालों को मिक्सी में सही तरीके से ग्राइंड किया है। 1 केजी फिश में नमक, हल्दी और नींबू डालकर इसे अच्छी तरीके से मैरिनेट कर लेंगे। फिर एक कढ़ाई में सरसों का तेल डालेंगे और धीमी आंच पे फिश को फ्राई करेंगे। इस बात का ध्यान देंगे कि फिश टूटे ना और फिश अच्छी तरीके से फ्राई हो सके। आप देख सकते हैं कि फिश का कलर चेंज हो चुका है और फिश अच्छी तरीके से फ्राई हो गया है। तड़के के लिए कढ़ाई में सरसों डालेंगे, फिर कढ़ाई में मिक्सी से पीसे हुए मसाले को डालेंगे और मसाले को सही तरीके से पकाएंगे ताकि मसाले सही तरीके से पक सके। आप देख सकते हैं मसाले में अच्छा कलर आ चुका है। और फिश की ग्रेवी के लिए मसाला अच्छी तरीके से पक चुका है। इसके बाद कटे हुए हम टमाटर डालेंगे और कटे हुए टमाटर को थोड़ी देर मसाले के साथ भुनेंगे। मैं टमाटर को मसाले के साथ कुछ समय के लिए भुना और टमाटर पक चुका है और हम देख सकते हैं फिश करी के लिए एक अच्छी ग्रेवी तैयार हो चुकी है। मसाले में 1/2 लीटर पानी डालेंगे। आप देख सकते हैं फिश करी के लिए एक अच्छी ग्रेवी तैयार हो चुकी है। बनी हुई ग्रेवी में फ्राई किया हुआ फिश को डालेंगे और कुछ समय तक फिश को ग्रेवी में पकाएंगे। गर्मा गर्म फिश करी आप चावल के साथ खा सकते हैं।